मुझे ऐसे लगा कि मेरे पेट में कुछ घूम रहा है, लाइक हमें वेव वेव जैसी फील हुई। तो मेरा झोला है, इसमें मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। पति भी अच्छे ही और हम भी अच्छे। मले मले करी बनाऊंगा आज। मल के मैल ना पा रहे हो कुछ। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज घर से बाहर आ चुकी हूँ मैं, और यस, मैंने प्लान बनाया है कि मैं मेरे करवा चौथ के लिए आउटफिट डिज़ाइन करूँ। यस, देखते हैं सक्सेस होता है या नहीं। पर यार, रेड जो फैब्रिक मैंने बहुत समय पहले लिया था, उसकी लाइनिंग नहीं है मेरे पास, तो आज मैं लाइनिंग के लिए जा रही हूँ। और मेरे हाथ में दो पेपर हैं जिनके बारे में मैंने लगता बताया था मैंने किसी व्लॉग में, और वो बेचारा व्लॉग लाइव आ नहीं पाया किसी रीज़न से। सो, कुछ समय पहले क्या हुआ, एक दिन मैं वही रैंडम, मुझे ऐसे लगा कि मेरे पेट में कुछ घूम रहा है, लाइक हमें वेव वेव जैसी फील हुई, बड़ी अनयूजुअल फीलिंग थी। मैंने सोचा वही थोड़ी है, इग्नोर किया। रात को इतना ज़्यादा होना शुरू हो गया कि उस मूवमेंट से मैं वेकअप होगी रात को, एंड अगली रात 4 दिन ऐसे रहा, और बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड, अजीब एंड इरिटेटिंग लगना शुरू हो गया मुझे। फिर मैं सोचा कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए मुझे। मैं डॉक्टर के पास गई, उसे मैंने एक्सप्लेन किया। उसने कहा कि एक बैक्टीरिया होता है जो हम मोस्टली ज़्यादातर लोगों के अंदर होता है, शायद वो ना हो। और फिर उसने मुझे टेस्ट लिख के बताया, तो जो वो बैक्टीरिया होता है एच पायलोरी, वो बहुत ज़्यादा हाई था मुझ में। तो 1 महीने की मेडिकेशन खाई मैंने, वो इतनी ज़्यादा गंदी मेडिकेशन थी यार, उतनी गंदी मेडिकेशन मैंने कभी नहीं खाई, इतनी कौड़ी, मुँह इतना ज़्यादा कौड़ा हो जाता है कि आप सो नहीं पाएंगे। फिर मैंने अपने पास ना विटामिन सी रख लिया बेड के पास, या मिश्री रख ली। रात को बार बार मेरा मुँह इतना कड़वा हो रहा, फिर मैं वो खाती। बड़ी मुश्किल ना मैंने वो 15 दिन का पूरा किया कोर्स, और गोलियाँ भी इतनी ज़्यादा थी, 10 गोलियाँ खानी पड़ रही थी मुझे, 5 सुबह 5 रात को। सो यार, दुख भरी गल है कि वो कम्प्लीट हो गया, और फिर वो फीलिंग भी आनी मुझे बंद होगी। वो मुझे मेडिकेशन खाते ही लाइक कुछ ही दिनों में बंद हो गया। और 2-3 दिन, अब मैं ये स्टोरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन पहले फिर मुझे वैसा ही फील हुआ कि ऐसा कुछ मूव हो रहा है पेट में। और फिर मैंने उसको कहा है कि क्या मुझे और दवाई खानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जब आप मेडिकेशन का कोर्स पूरा करते हैं तो आपको 1 महीने के बाद फिर से टेस्ट करेंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि वो जो बैक्टीरिया वो हमेशा अंदर रहता ही है। आई डोंट नो इतनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन क्यों दे रही हूँ मैं, पर क्या पता आपको कभी यूज़ कर पाए इसको। सो डॉक्टर ने कहा है कि वो जो बैक्टीरिया है वो अंदर आपके रहेगा ही। एक ही तरीका है उसको बहुत एक्यूरेटली टेस्ट करने का, वो पता नहीं ऐसे मुंह में कुछ डालने के लिए देते हैं, फिर वो स्पिट कराते हैं, उस स्पिट को टेस्ट करते हैं, उससे पहले कुछ खाना नहीं होता। और वो टेस्ट यहाँ पे हैमिल्टन में होता है, और या फिर आप पे करके अपने आसपास करा सकते हैं। मैं क्या, मैं फ्री वाला ही कराऊंगी, मैंने दस दो कितने होना। सो वो पेपर पे करने के लिए आई हूँ मैं हैमिल्टन से, और एलर्जीज की मेरी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लेने आई थी मैं, एंड स्मॉल लैशेस की डिलीवरी करने के लिए आई थी। एंड स्मॉल लैशेस पे हम नए लैशेस के स्टाइल लॉन्च करने वाले हैं कुछ ही दिन में, आई थिंक ऑलरेडी हो गए होंगे शायद ये जब व्लॉग जाएगा। सो प्लीज़ जल्दी से जाएं और अपना अपना पेयर खरीद लें, बहुत ही प्यारी लैशेस है मेरी। आज जो मैंने स्टाइल पहना है ये नए स्टाइल्स में से ही है। यस, ये पहले मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। ओके, सो फिर मैं अब प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए जा रही हूँ कॉस्को। एलर्जी का मैंने, मुझे लगता है किसी ने बता दिया है कि ये जो पहली प्रिस्क्रिप्शन है एलर्जी की जिसने मुझ पर मदद की है, और मैं रोज़ सुबह खुली सांस ले पा रही हूँ, एंड बाकी जो चीज़ें कर रही हूँ वो मैंने शायद बता दी हैं। एक तो मैं वो नेसल स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, और एक मैं यूज़ कर रही हूँ वो मेरे नोज़ को क्लीन करने के लिए स्लीन का मिक्स, उससे मैं रोज़ 2-3 टाइम क्लीन करती हूँ मेरे नोज़ को। सो काफ़ी ज़्यादा राहत है। एंड लाइनिंग लेनी है मुझे, और ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी है, एंड 2-3 काम तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। प्रिस्क्रिप्शन पिक करना, वो टेस्ट का पेपर पिक करना, हैमिल्टन हॉस्पिटल में है ये डिपार्टमेंट, कौन सा, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में, न्यूक्लियर मेडिकेशन, ओके न्यूक्लियर मेडिसिन। सो यार, ये पिक कर लिया मैंने, अब मैं लाइनिंग लूँगी, एंड
दैट्स इन्फॉर्मेशन. अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत प्यारे व्लॉग्स बनाती हूँ मैं. एकदम सच्चा सुच्चा क्यूट बंदा हूँ मैं, इन्ना प्यारा, इन्ना प्यारा, बहुत प्यारा. मुझे अपनी तारीफें करना भी अच्छा लगता है, सभी को लगता है ना. एक्चुअली पता है कि यह कहते हैं कि अपनी तारीफें करते रहना चाहिए, क्योंकि अपनी तारीफें करते रहोगे ना फिर दुनिया भी करेगी. क्योंकि मैं वन ऑफ दोज हूँ, तारीफ से ज़्यादा मैं अपने आप को, मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा हार्ड रहती हूँ. मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती हूँ अपने आप को अकेले बैठ के. पर अब मैं सीख रही हूँ कि अपने आप को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, क्योंकि अपने आप को क्रिटिसाइज़ करेंगे तो फिर आप बहुत बुरा हार्म कर लेते हैं अपनी सोल का. सो वो नहीं हमने करना है. सो या ये इन्फॉर्मेशन है अबाउट नॉट क्रिटिसाइजिंग, जस्ट लविंग योरसेल्फ. दोस्तों तो हमारे पहले डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, जो कि फैब्रिकलैंड. एक्चुअली दूसरा डेस्टिनेशन, क्योंकि पहला था वो डॉक्टर था, नहीं एक्चुअली तीसरा डेस्टिनेशन. सो तीजा आयरन रन करने के लिए आ गए हम. लेट्स गो. बाल रखे मेरे मेरे पास है एक जॉयंट बैग 5th Avenue का. इस बैग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मुझे लाइनिंग चाहिए. मुझे सबकी लाइनिंग नहीं चाहिए, पर मैंने लगा कि कई बार कोई ना कोई ऑफ होता है तो हो सकता है मिल जाए. तो कई सारे प्रोजेक्ट हैं मेरे, तो काफ़ी सारा बैग झोला लेके आई हूँ मैं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा. तो मेरा झोला है, इसमें मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं. मुझे लगता है कि ये रंग का कुछ मिल सकता है. लेट मी चेक. ये जो कपड़े हैं ये थोड़े सिल्की हैं और प्राइस नॉट बैड है, वैसे 9 होता है आज का. सो ये वाले वो सारे रंग हैं जो मुझे चाहिए. मुझे मोस्टली सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, लाल, गुलाबी एंड एवरीथिंग. दोस्तों तो फैब्रिकलैंड का जो मेरा सफ़र था बहुत ही अच्छा सक्सेस हुआ. मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे लाइनिंग्स मिल गई, मैंने ढूंढ ली. मुझे ना सीक्रेट कौन नहीं पता है कि कहाँ पर मुझे अच्छे प्राइस में मिलेगा. पर सो प्राइजेस तो आपको बहुत बार अच्छे मिल ही जाते हैं, पर ज़्यादातर क्या होता है कि जो बहुत पॉपुलर एंड वाइब्रेंट रंग है ना वो मिसिंग होते हैं. पर आज मुझे रेड भी मिल गया, वो टमेटो जैसा शेड भी मिल गया, सारे शेड्स मिल गए. काला एंड वाइट भी मैंने ले ली, क्योंकि मेरे पास काला फैब्रिक कई तरह का है, वाइट भी कई तरह का है. तो मैंने सोचा बार बार चक्कर से अच्छा है कि आज अच्छे प्राइस में मिल रहा है, ले लो. सारा कुछ ले लिया. करना मुझे फ़िलहाल के लिए 2 dresses ही हैं फिनिश. सो यार वो कर लिया है. मुझे बहुत भूख लग गई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊं. कुछ खाते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगी कॉस्को मेरी प्रिस्क्रिप्शन पैक करने के लिए, ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी है. ओके सो आई एम इन अ लाइन अप राइट नाउ. अब मैं खाने वाली हूँ कुछ मेरे लिए. आई डोंट नो अगर आपने वो वीडियो देखी है या नहीं, जिसमें मैंने और मेरे हस्बैंड ने रिएक्ट किया था 295 सॉन्ग पे. ज़रूर से देखिए, बड़ी क्यूट वीडियो है. ये गाना मुझे इतना ज़्यादा मज़ेदार लगा, अभी भी लगता है कि हर लाइन ये परफेक्ट है. उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक छोड़ दूंगी जरूर से. ओके मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, 2:30 बज रहे और मेरा सिर ना दुखने लग गया है. ऐसे घर में मैं रह के भी इतनी देर तक मैं नहीं खाती हूँ, नहीं तो वाजी जाते हैं 2-2. पर आज आई डोंट नो क्यों भूख ज़्यादा लग गई. आई डोंट नो अभी यहाँ पे मेरा फेवरेट बेगल होगा या नहीं. सिर दुखता गया. ओके सो बेगल मुझे मिल चुका है, मैं खाने वाली हूँ. एक्चुअली मैं कॉस्को की पार्किंग में ही आ गई हूँ. मैं क्या कि फिर तो खा के सीधा अंदर चली जाऊँगी. पता नहीं कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने अभी मैंने प्रिस्क्रिप्शन भी ड्रॉप करनी है. 15-20 मिनट लगेंगे. वो गर्ल ने ना मुझे मेरी ड्रिंक के लिए स्ट्रॉ नहीं दी. सो क्विक कॉस्को हॉल. मेरी दवाइयों को पिक करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगा, जितना भी लगा उसमें मैंने यही चीज़ें पिक की हैं. मैंने लिया है दूध, डिटर्जेंट, लॉन्ड्री, क्रीम चाय या कॉफ़ी के लिए, और 35% मक्खन के लिए, और हिम्मत के लिए एक वर्कबुक ली है. मुझे इंटरेस्टिंग लगी वैसे, उसके पास है पर ये वाली नहीं है. और मम्मी के लिए फिशी स्नैक्स एंड मेरी दवाई. दैट्स इट.
सो मैंने पहनी है ब्लैक ट्राउज़र ईजी एंड शर्ट. आज मेरे आउटफिट ऐसे है जैसे मैं किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ एंड बाल में ह्यूमिडिटी हो गई. आज वैसे ये स्टोर खाली है. एक और टेबल आ गया है, इंडिया से आया होगा पक्का, हैंडमेड इन इंडिया. और इसका प्राइस है 149.99, सो $150 का. सो आज मुझे स्टोर में कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही है. मैंने थोड़ा रोम अराउंड किया है, अब बारी आती है कहीं और जाने की. लेट्स गो. लुक एट दिस क्यूट लैम्प, ये चुभने वाला है. चीज़ें पसंद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आज ज़्यादा अच्छा प्राइस नहीं है. सो ये होने वाला है मेरा आखिरी स्टॉप एंड उसके बाद मुझे गैस भी फिल करनी है. हे ब्यूटीज, दिस इज मी, क्यूट राइट? आई लव इट. हाय गाइस, सो लिटिल अपडेट देने के लिए आई हूँ. आ रही अपडेट एक्चुअली कि जब मैं वॉक करती हूँ ना तो पैरों में इतनी बुरी दर्द होनी शुरू हो जाती है जैसे मैं बहुत ज़्यादा बुढ़ी हूँ. पर मैं वॉक करती रहती हूँ और कुछ देर बाद गायब हो जाती, फिर वापस आ जाती है. तो ऐसे ही मेरी ज़िंदगी हो गई है जिसको मैंने अब अडेप्ट कर लिया कि ऐसे ही रहेगा. क्योंकि बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि मेरी बीमारी का क्या हाल है. वैसे तो हम बीमारी की डिटेल में कहीं और बात करेंगे स्पेशल वीडियो में, पर मैंने सोचा कि थोड़ा सा बता दूं कि बीमारी है, तकलीफ दे रही है मुझे, पर यार अब थोड़ी आदत सी हो गई है. ओके फ्रेंड्स, तो मैंने घर आके चाय पी थी, कॉफी एंड गाइस कपड़े चेंज कर लिया एंड हम लोग पार्क. हाय गाइस, वेलकम टू हिम्मत चैनल और सम मोर चैनल. सम मोर देन द सम है मम्मा क्या मम्मी चैनल्स. ओके, सो हस्बैंड ने कहा था कि तुम शॉपिंग करके आओ, जो भी करना करके आओ, मैं तुम्हारे आने तक बिरयानी बना के रखूंगा. बिरयानी बनाई. सो हिम्मत आ चुका है पार्क में प्ले करने के लिए और देखता पाया कि कहनू दोस्त बना सकता मैं. तो की बेचारा कि लगन दिया तुम्हें मौसम अक्टूबर के इस पहाड़ च भी इन्ना गर्म. मैं बिजी रहना, मैं बाहर आने का टाइम नहीं मिलता. It's always nice to be outside. ओके, सो मेरा प्लान था कि कोई काम करूँ, एडिटिंग करूँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे पास करने के लिए. आपको पता है मैं बहुत बिजी बंदा हूँ, पर हस्बैंड ने कहा कि आ जा. हस्बैंड जब बाहर आते पार्क में या वॉक करने के लिए, वो मैंने ना कसमा देते रहते, तो मेरी कसम, हिम्मत दी कसम, कसम ब्ला 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 आना पड़ता है मुझे. पर वैसे भी अच्छा मौसम है तो मैंने सोचा कि चली जाती हूँ. पर मेरा सर दर्द ना अभी भी ठीक नहीं हुआ. मैंने चाय भी पी, कॉफ़ी भी पी ली है एंड अपनी दवाई भी खा ली है, पर स्टिल सर ना इदा इदा फटता पाया, लाइक जैसे कोई ना थॉप कर. सो जैसे ना सर के इस एरिया में कोई हथौड़े मार रहा, इस तरह की मेरी पेन हो रही है. पर यार इसे टॉलरेट किया जाएगा. और डिनर के लिए कुछ भी नहीं बनाया है और मैं नहीं बना सकती आज. मैनू लगता है कि हम लोग आज चाइनीज़ पिक करेंगे. हमारे पास ना एक चाइनीज़ है, वहाँ पे वो डिनर देते हैं, लाइक आप दो चीज़ें चूज हर कोई करता होगा ना वैसे ही. सो उनका मील मुझे अच्छा लगता है, शायद एक दो मील वहाँ पे पिक करेंगे. देखते हैं, अनलेस हस्बैंड कहें कि मैं कुक कर सकता हूँ तो वो कर लें. या अच्छा, यही है प्लान फिलहाल के लिए. देखते हैं कि बनता है तो डिनर पे मिलते हैं. पर कुक करने लिए मैं नहीं कर सकती यार. मऊ यार मैं कुक नहीं करना है, तू ही कर सकता है कुछ कुक. मैं करता करता क्या करता करता ऑलरेडी करता वही काम. नहीं मैं कर देता हूँ कुक. क्या करूँ यार, तब दिल की कर रहा था. मेरा दिल करन दिया वो वाला चाइनीज खा ली डिनर. नहीं नहीं, जो मैं कुक करूंगा वो चाइनीज कुक कर लो. व्हाट कैन आई कुक फॉर यू? चाइनीज काइंड ऑफ कुछ सीधा स्टर फ्राई चॉल या नूडल्स. मैं चाइनीज नहीं कर पाऊंगा, मैं इंडो चाइनीज कर पाऊंगा.
इंडो चाइनीज कर दो फिर, मैं तो लगा गप्पा ही करवाएंगे। इंडो चाइनीज नहीं, मैं मलाई डिश बनावा। मलाई डिश के नहीं, मलाई डिश, मलेशियन डिश। ओ मलयालम। ओ यार मलेगी तेन पता नहीं है? पता है मैं, केड़ी बना हो गया दसो। मलेशिया जेडे लोग रहंदे पुछो क्या खादे तुसी कदे? गाइस आप खीरे की तरी खाते? अपना कच्चे खा लिया करो, तरिया ना खाओ। और मेरा पति भी अजीब है, पिज्जा खाना दाल वाला, तरी खानी खीरे वाली। वो कोई सीधी सीधी चीज नहीं खा सकते, पिज्जे ते दाल पा के आ जांदे आ। ओ ते कहंदे मैनू घर दा कड्या मक्खन पा दे। यार दाल कौन, पिज्जे च साग चलदा? साग केड़ा साग? निकल गया ना सच, पिज्जे पे साग पवा के आ जाते, कहते दे दो पिज्जा, कहने मक्की दी रोटी लगता ए साग पा लें। मेरे पति दे काम है दोस्तों, देखते हैं कि हस्बैंड कहाँ लेके जाते हैं हमें, केड़े देश का फूड बनाते हैं। पति भी इतने ही और हम भी इतने। मले करी बनाऊंगा आज, मल के मैल ना पा दो। मलेशिया दी सो बनाओगे? हाँ क्यों नहीं, वो पालक जी पीड़ी बड़ी हो गई यार। ऐं करदे आ, पालक पनीर ते नाल पुठे तवे दी रोटी चले अज। यार बहु फिर ओई, मैं ही मेनू ही तुई गाना है, मेनू ही कराना तू। ऑलराइट दोस्तों, घर आ गए हम लोग और समय हुआ है 7:30। एंड एक्चुअली हमें कोई दोस्त मिल गए थे तो हमने बहुत ज़्यादा समय बातचीत में बिता दिया। सर मेरा इतनी बुरी तरह फट रहा है, इतनी बुरी तरह, लाइक जैसे मेरे पति की गला मैंने चुभती है ना सम डेज, और मैं दर्द चुभ रहा है। सो हमने ऑर्डर कर दिया है चाइनीज, एंड हस्बैंड पिक करने के लिए जाएंगे। हमारी डील हुई थी, जेड़ा बंदा ऑर्डर कर बहुत तो क्या, मैं क्या ही ऑर्डर तो ही करो, पिक मैं करेंगे और ऑर्डर मैं की था, पिक तो ही करना। कोई बाबू नहीं तू यार। ओ मेरे साथ फूड पिक करने के लिए जा रहा है मेरा ब्यूटीफुल सन। सन स्विच ऑन द लाइट प्लीज सो दे कैन सी योर ब्यूटीफुल फेस। यू टेकिंग ओके दैट्स इट। ओके सो फूड खाते समय मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, इतनी ज़्यादा कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। सो ये वाला फूड हमने खा लिया है एंड पूरी तरह हेडेक हो रही है अभी भी। मैंने पेन किलर भी खा लिया, खाना भी खा लिया और समय हो रहा है 9:45। हिम्मत नहा रहा है क्योंकि वो स्कूल रात को नहा के सोता है, तो सुबह हम यू नो जल्दी हो जाते हैं वो रेडी। एंड अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। वैसे मेरा प्लान था कि मैं वीडियो एडिट कर लूँ, पर हम वॉक पे गए तो हमें दोस्त मिल गए, तो बहुत सारा समय हमने गपशप में गुजार दिया और मेरा टाइम अप हो गया क्योंकि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, हिम्मत को तैयार करना है एंड ऑल। सो यार सोने के लिए जा रही हूँ मैं। आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा, अगर किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट बार में बताना कि आपको कैसा लगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग कर पाऊँ एंड यस मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर ले। मैं आपको मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग, यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन, दैट्स इट, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बाय, आई लव यू।